टेस्टी फूड पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ चिकन हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी सूप होता है और सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन के पीसेस लिए हैं। इसको बोन के साथ ही लिया है हमने, हड्डियों के साथ ही लिया है। 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर, 3 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, ये कम भी या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं आपके इच्छानुसार, 3 टीस्पून रेड चिली सॉस, अगर आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। ये रेडीमेड फ्राइड नूडल्स लिया है, ये आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी है तो चलेगा। एक अंडा, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून चीनी या शुगर, 3 ग्रीन चिली बारीक कटी ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने घिस लिया है, ग्रेट किया है, और लहसुन 10 से 12 पंखुड़ी, इसको बारीक चॉप किया है, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून, और जितने भी वेजिटेबल्स है उसमें से मैंने यहाँ पे कैबेज 1 कटोरी लिया है बारीक कटा, हरी शिमला मिर्च 1 प्याज लिया है बारीक कटा, 2 टेबलस्पून हरी धनिया, और स्वीट कॉर्न 1/2 कप लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो अलग वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकोली है या फूलगोभी है। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल करने के लिए 2 लीटर पानी एक बर्तन में बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब ये उबाल आएगा पानी को तो इसमें चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। चिकन हमारा पकने के लिए रखना है तो इसमें 1 टीस्पून नमक मैंने मिलाया है और इसको ढक के 15 मिनट के लिए इसे हम बॉईल करेंगे। 15 मिनट के बाद ये चिकन हमारा अच्छी तरह से पक जाता है। इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है तो सारा चिकन के पीसेस जब ठंडे हो जाएंगे तो इसे इसी प्रकार से छोटे पीसेस में इसको श्रेड करना है। अब हम एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। वो गर्म होने के बाद इसमें हमने लहसुन मिलाया है, हल्का हम तेज आंच पे भूनेंगे लहसुन को, उसके बाद अदरक डालेंगे, अदरक को भी हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और तुरंत इसके बाद ही हम इसमें प्याज मिलाएंगे। प्याज को हल्का हम भूनेंगे, लगभग 1/2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे भूना है प्याज को, और उसके बाद सारी जो सब्जियां है हमारी इसमें मिलाएंगे। सारी सब्जियां जो है हमारी अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, हल्के से क्रंची बनाना है सब्जियों को, हाई फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करते रहना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है। उसके बाद हम इसमें डार्क सोया सॉस मिलाएंगे, चिली सॉस, और ये शुगर हमने मिलाया है। अच्छी तरह से हिलाते रहना है। अब हमने यहाँ पे चिकन को ऐड किया है। अब तुरंत इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा चिकन का स्टॉक है जो हमने 2 लीटर बनाया था तो उसको इसमें मिलाएंगे। मिक्स करना है अच्छी तरह से। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। याद रखना है स्टॉक में थोड़ा सा नमक था, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, और अब ये विनेगर,
विनेगर आप इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको सारी चीज़ों को मिलाना है और बॉईल आने का हम वेट करेंगे तब तक। जैसे ही सूप को हमारे उबाल आएगा तब हम जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसको उसके अंदर एक कप पानी ऐड करना है। एक कप पानी में इसका घोल बनाना है अच्छे से और अंडे को फेंट लेना है अच्छी तरह से। अंडे को इसी तरह फेंट लिया है मैंने। तब तक चिकन हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। जब बॉईल अच्छे से होने लगेगा तभी इसके अंदर हम इसमें कॉर्न स्टार्च का जो घोल है उसको मिलाएंगे। आपको जिस प्रकार से ये गाढ़ा या पतला चाहिए उसी हिसाब से कॉर्न स्टार्च इसमें मिलाना है। ज़्यादा अगर गाढ़ा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कॉर्नफ्लोर का घोल इसमें डालेंगे। अब इसी के बाद हम अंडा जो है फेटा हुआ उसको मिलाना है। अंडा डालते समय हमें लगातार चम्मच को हिलाते रहना है ताकि अंडा जो है एक जगह पे जम ना जाए। सारे सूप में अच्छी तरह से अंडे को मिलाने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बस 2 मिनट में हमारा सूप बन के रेडी हो जाएगा। ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसका टेस्ट किसी भी रेस्टोरेंट से भी बहुत बेहतर देखेंगे। बना के देखिए आप, बहुत बेहतर टेस्ट आता है इसका। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसको एक बाउल में निकालेंगे। जब इसको हम सर्व करेंगे तो इसके अंदर हम ये जो फ्राइड किया हुआ नूडल्स है उसको मिलाएंगे, धनिया पत्ता। ये बहुत ही टेस्टी बनता है सूप, आप इसको ज़रूर बना के देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।